दोस्तों, जब से हमने रीसेलिंग करने के तरीके को चेंज किया और हमने सभी को बोला कि आप YouTube के माध्यम से रीसेलिंग बिजनेस कीजिए, तब से काफी सारे लोगों ने अपने YouTube चैनल बनाए और उन पर वीडियो भी डालना शुरू किया। काफी अच्छी मेहनत करने के बाद भी कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं वो आज भी ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं और उनके चैनल में कई टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और ऐसा ही एक चैनल आज के टाइम में मेरे पास आया हुआ है। जो चैनल मेरे पास आया है, उन्होंने मुझे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया और उसके बाद बोला कि आप मेरे चैनल को चेक कीजिए और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए। तो आज की वीडियो दोस्तों स्पेशली अगर आप यूट्यूब से रीसेलिंग कर रहे हैं, आपका एक यूट्यूब चैनल है उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं और आपका चैनल है वो ग्रो नहीं कर रहा है और आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से ग्रो करेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आने वाली है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं पूरा प्रैक्टिकल उस चैनल को आपको भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उस बंदे ने क्या क्या प्रॉब्लम की है। और वो रीसेलिंग का पूरा चैनल है, वैसे वो काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जितनी उन्होंने वीडियो डाली है उससे कम उनके सब्सक्राइबर है। और नॉर्मली देखा जाता है कि यूट्यूब पर ठीक है रीसेलिंग की अगर कोई अच्छी वीडियो बना के डाले तो एक वीडियो से ही अच्छे खासे सब्सक्राइबर लिए जा सकते हैं, व्यूज लिए जा सकते हैं और ऑर्डर भी लिए जा सकते हैं। तो सर ये कौन सा है चैनल, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं कि जो चैनल है जो मेरे पास आया है वो कोई ज्यादा मेरे से दूर रहते नहीं है, मेरे पास में ही रहते हैं। अब दोस्तों जो YouTube चैनल मेरे पास आया है वो चैनल दोस्तों उन्होंने मेरे चैनल जो मैं डेमो के थ्रू आपको बताता था इंडिया टॉप फैशन नाम से दोस्तों मेरा एक चैनल मैंने बना के बताया था आपको, उसी तरीके का एक सिमिलर चैनल उन्होंने बनाया था और वही चैनल आज के टाइम में मेरे पास ठीक है। उन्होंने यूजर आईडी जो ईमेल आईडी और पासवर्ड होता है वो देकर मुझे एक्सेस करने की अनुमति दी है। मैं पूरा एडिट करके बताऊंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, जरूर देखना कि एक यूट्यूब वीडियो का फॉर्मेट क्या होता है और जो भी चैनल पर गलती है वो सब कुछ आज क्लियर करने वाला हूँ। चलिए सीधा चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारी की सारी चीजें वहीं पर चलकर देखते हैं। तो दोस्तों जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ वो वाला चैनल ये है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चैनल का नाम ये आप देख सकते हैं टॉप इंडिया फैशन, और इससे पहले मैंने भी एक बनाया था आपको डेमो बताने के लिए इंडिया टॉप फैशन। काफ़ी सारे लोगों ने इस चैनल की नकल की है, ठीक है, और इस टाइप का जो मैंने चैनल बनाया था उसकी, और ये उसी में से एक है। अब दोस्तों अगर बात करें इस चैनल की तो इस चैनल पर दोस्तों 231 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और ये चैनल है 2 से 3 साल पुराना चैनल है। इस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड है आपको पता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो व्यूज़ इनके काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि आगे काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, शुरुआत में इन्होंने काफ़ी अच्छे से वीडियो डाले, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर कुछ अच्छे व्यूज़ आ रहे थे इनको, ये देखिए ठीक है। तो इस तरीके से इनको अगर देखा जाए तो आगे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के कुछ वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। रीज़न भी जानेंगे और क्या कुछ ये गलतियाँ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वीडियोस की तरफ वापस जाता हूँ और उसके बाद हम आगे की देखते हैं कि आखिर इन्होंने गलती क्या की, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चैनल है, कॉपीराइट क्लेम वगैरह शायद मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने चेक कर लिया है कोई एक आध वीडियो पे है तो है वो, ठीक है। ये वाला एक इस पे और इस पे म्यूज़िक पे है, बाकी किसी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हटाते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और क्यों इनको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। और आप भी ध्यान देना कि आप अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके की गलतियाँ बिल्कुल ना करें। मैं एक वीडियो को ठीक है खोल देता हूँ, ये वाला जो वीडियो है इसको ओपन करता हूँ। अब जैसे ही मैंने ओपन किया, मैंने पहले भी देखा है, अब मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहली गलती इनकी, ये टाइटल जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये टाइटल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके का टाइटल यूट्यूब में नहीं डाला जाता है, स्पैम की तरह ये काम करता है। और टाइटल में कभी भी हैशटैग नहीं डाला जाता है, जो कि इन्होंने डाला है, तो टाइटल में हैशटैग ना यूज़ करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से देख लीजिए, ये वाला है इनका पूरा डिस्क्रिप्शन। मैं वापस ऊपर जाता हूँ, वापस ये यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी कुछ ज़्यादा ही भाग रहा है, ये वाला इनका डिस्क्रिप्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में शुरुआत में इन्होंने हैशटैग यूज़ किया है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन में कभी भी हैशटैग यूज़ नहीं करना चाहिए, वो गलत होता है। जो आपका टाइटल होता है वही डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है। और यहाँ पर ये जो गंदगी इन्होंने बिल्कुल एक तरीके से डाल रखा है, सब कुछ ये बेकार है। यूट्यूब इस वीडियो को बिल्कुल स्पैम की तरह मानेगा, वो समझेगा कि ये ठीक है जो भी वीडियो डाला गया है उसको गलत तरीके से ये प्रमोट कर रहे हैं, तो YouTube इस वीडियो को डेड कर देगा, बिल्कुल भी किसी को इसका ठीक है इंप्रेशन वगैरह कुछ नहीं भेजेगा।
इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा अच्छा काम किया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं और अपने चैनल के बारे में, हालांकि यहाँ पे वीडियो के बारे में लिखना चाहिए कि वीडियो में किस टाइप की साड़ी वगैरह है, कितने प्राइस की है, तो वो चीज़ें होती। बाकी यहाँ पे ये इन्होंने अपने लिंक कुछ डाले हुए हैं, बाकी ये सब कुछ है, ठीक है। तो सली डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल गलत है, मैं सब कुछ डाल के बताऊँगा। थंबनेल यहाँ पे अगर देखें तो अट्रैक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है थंबनेल, ठीक है, एक अलग तरीके का थंबनेल है पूरा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर प्लेलिस्ट देखें तो प्लेलिस्ट इन्होंने नहीं डाली है किसी भी वीडियो में। और प्लेलिस्ट, हालांकि मैं आपको बता दूँ, ये सारी प्लेलिस्ट इनके चैनल पर मैंने ही बनाई है, इनकी पहले कोई प्लेलिस्ट नहीं थी, ठीक है। तो अगर सारी हैं तो यहाँ पे ये इस पर क्लिक करके इसको प्लेलिस्ट बना सकते थे, तो वो थोड़ा ईजी रहता। बाकी अगर हम टैग देख लेते हैं तो टैग इस तरीके के हैं, तो यहाँ पर टैग देखें तो ये ठीक है, यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन कई ऐसी वीडियोज़ मैंने देखी है इनकी, ठीक है, जिन पे टैग इन्होंने हिंदी में डाले हैं, और हिंदी में ज़्यादातर टैग ग्रो नहीं होते हैं, सीधी सी बात बता रहा हूँ, यूट्यूब का रूल है, तो हिंदी में टैग ना डालें, इंग्लिश में डालें, लेकिन अच्छे डालें। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हम दिखाएंगे कैसे टैग डालते हैं। तो चलिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी सभी चीज़ें गलत हैं, वीडियो किस तरीके से डाला जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, वो इन्हें बिल्कुल नहीं पता है। तो चलिए, सबसे पहले टाइटल क्या डालते हैं, हम इस सारे को डिलीट करते हैं। टाइटल डालना है दोस्तों वीडियो से रिलेटेड, ये वीडियोज़ इनका साड़ी से रिलेटेड है, हम यहाँ पर जाकर सर्च करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम बताते हैं कि टाइटल कैसे डाला जाता है, ठीक है। तो टाइटल के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है जो भी आपका, ठीक है, जिस रिलेटेड आप प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपको चीज़ें सर्च करनी है। तो यहाँ पे साड़ी लिखा हमने, सर्च किया, तो यहाँ पे नीचे एक और है साड़ी लेटेस्ट डिज़ाइन, या फिर आप डाल सकते हैं साड़ी ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि हम ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये वाला मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तो इसे मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि टॉप में रिज़ल्ट कौन से मिल रहे हैं। तो टॉप में आप कुछ वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हो, ठीक है, देखनी नहीं है आपको, उनके टाइटल देखने हैं कि वो टाइटल किस तरीके के डाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे मैं पहले देख लेता हूँ, ये वाला भी आप देख सकते हो, ये वाला भी देख सकते हो, और ये वाला देखो बहुत बढ़िया है, एक साल पहले 5 मिलियन व्यूज है इस चैनल पे, और सारे के सारे मीशो के प्रोडक्ट हैं, आप देख लीजिए। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि वीडियो चलती नहीं है, मीशो के प्रोडक्ट डाल के देख लो, 5 मिलियन व्यूज़ ला दिए इस बंदे ने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, यानी कि 50 लाख व्यूज़ है। आप बॉर्डर कितना मिला होगा वो आप खुद समझ लीजिए ये चीज़ें। अब चलिए, यहाँ पे ये पहले वाला वीडियो है, तो इसका टाइटल आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए डिज़ाइनर साड़ी, ठीक है, होल अंडर 1000 रुपये इस तरीके से लिखा हुआ है, और उसके बाद इनका जो भी है, ठीक है, जो कीवर्ड इन्होंने यूज़ किया है कुछ, तो वो हो सकते हैं। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी साड़ियाँ डाल रहे हैं वो अंडर, ठीक है, इस तरीके से अंडर RS 1000, 2000, 5000 जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग डालें। तो ये वाला भी टाइटल ठीक है, और बाकी और भी कई सारे टाइटल हैं, तो आप टाइटल डाल सकते हैं। मैं जैसे कि यहाँ से कोई भी टाइटल सेलेक्ट करते हैं हम, तो चलिए पहले वाले पे क्लिक करते हैं और यहीं से टाइटल डाल देते हैं, और यहाँ से ये वाला ठीक है टाइटल, तो इसको हम करते हैं कॉपी, एंड यहाँ तक इसको कर देते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर डालते हैं पेस्ट करते हैं, और इसके बाद हम कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा है नहीं, टाइटल किसी और का है, तो हमें करना है चेंज। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं चाचो, और इसके बाद यहाँ पे ये हमारे अमेज़ोन का है नहीं, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं मीशो, ठीक है, हम मीशो डाल देते हैं, और यहाँ पे पीछे 2022 भी डाल देते हैं। तो इस तरीके से टाइटल डालना है, किसी और का देखना है उससे रिलेटेड आपको अपना टाइटल बनाना है और डालना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दो, बीच में कॉमा नहीं लगानी है, बीच में हमेशा ये वाली सिंबल लगाना है, ठीक है, और इस तरीके से टाइटल होना चाहिए छोटा। और इसके बाद ये सारा का सारा जो भी है इनका, मैं इसको करता हूँ कट, यहाँ तक करते हैं कट। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें जो हम टाइटल डालते हैं, वही यूट्यूब का रूल है, टाइटल डालते हैं वही डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर होना चाहिए, और इस तरीके से ये होना चाहिए। इसके बाद ये यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखा है। अब यहाँ पर देखो, वीडियो के बारे में बता सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो के बारे में बता सकते हो कि हमने इस वीडियो में साड़ी से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, साड़ी वगैरह डाली हैं जो अंडर इतने में आती हैं, और ये प्रोडक्ट मीशो पर आपको मिल जाएगा, मीशो की डाउनलोड लिंक, आप रेफर लिंक डाल दीजिए, या फिर सीधा आप हमें कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत अपने चैनल के बारे में लिखा है, सले का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम वगैरह ये जो हैं, शॉप 101 का लिंक है वो है यहाँ पर, ये वाला भी लिंक है,
इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तो हैशटैग हम टाइटल में ना डालें तो कहाँ पे डालें, मैं बता दूँ वीडियो के सबसे लास्ट में हैशटैग डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो हैशटैग इस तरीके से सबसे लास्ट में डाले जाते हैं। इस तरीके से अगर आप हैशटैग 4 से 5 हैशटैग डाल सकते हैं, तो ये वाला नॉर्मली फॉर्मेट हो गया। अब ये जो थंबनेल है ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि थंबनेल बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आप अपने हिसाब से अट्रैक्टिव थंबनेल बनाइए। लोग किस तरीके के थंबनेल बना रहे हैं मैं आपको बता दूं, तो इस तरीके के थंबनेल है वो आप बनाइए। ये देख लीजिए एक ही टाइप का फ़ोटो है लेकिन अलग अलग तरीके से यहाँ पर डाल के थंबनेल कितना अट्रैक्टिव बनाया, तब जाके दोस्तों 5 मिलियन व्यूज़ मिले हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी कॉपीराइट आ जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। बाकी आप थंबनेल सभी के देख सकते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव थंबनेल रखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट ज़रूर बनाइए, जैसे साड़ी है, कुर्ती है, लहंगा है, ज्वेलरी है, प्लाजा है और ब्लाउज़ वगैरह, तो इस तरीके से कैटेगरी ज़रूर बनाइए। और जो भी वीडियो डालते हैं जिससे रिलेटेड उच्च कैटेगरी को ज़रूर आप वहाँ पर डाल के डन कीजिए, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट भी यहाँ पर मैंने ही बनाई है, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया था। आगे थोड़ा सा अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ये टैग है, आप चाहो तो इनको मैं साउंड तो रख सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप के टैग लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी भी वीडियो को यहाँ से शेयर करके गूगल में हम टैग निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, इसको बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ से शेयर पे क्लिक करते हैं और ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है, ठीक है, यूट्यूब वीडियो टैग फाइंडर, ठीक है, ये वाला। और इसको सर्च करने के बाद आप चाहो तो यहाँ से कोई भी एक टूल है किसी को भी क्लिक कर सकते हो, 2-3 ये जो भी लिंक है किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर URL डालना है और यहाँ पर टैग पे क्लिक कर देना है। तो ये वाले टैग आ चुके हैं, सेलेक्ट ऑल कॉपी, ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं सभी को और इसके बाद इनको हटाते हैं और यहाँ पर वो वाले टैग डाल देते हैं, ठीक है। तो ये वाले हमने डाल दिए हैं। इस तरीके से टैग आपको किसी भी अच्छे वीडियो के चूज़ करने और डालने हैं। बाकी टैग वगैरह कैसे डाले जाते हैं, सही तरीके से किस तरीके से वीडियो को वायरल किया जाता है, मेरा एक दूसरा चैनल है, ठीक है, टच राजस्थान नाम करके, उस पर मैं वीडियो डालता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ कि टैग वगैरह किस तरीके से अच्छे से डाल के वीडियो को ग्रो किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल वीडियो का पूरा ये सिस्टम, ठीक है, जो भी है टैग कैसे डाले जाते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, इस तरीके से डालना है। और यहाँ पे एंड स्क्रीन भी आपको डालनी है, कई सारे लोग नहीं डालते हैं, जैसे कि इस बंदे ने एंड स्क्रीन नहीं डाली है, तो एंड स्क्रीन ज़रूर डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकें और मतलब वीडियो पूरा देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो भी वो देख सके। तो इस तरीके से एंड स्क्रीन भी डालनी है, आई कार्ड भी आप डाल सकते हैं यहाँ से और बाकी इसके बाद सेव कर दीजिए। नॉर्मल सिंपली इस तरीके से वीडियो आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बंदा काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है, काफ़ी वीडियोस डाल रहा है और जितना सभी की सभी वीडियो में दोस्तों सेम प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया है, फालतू के सारे की सारे कीवर्ड डाल रखे हैं, इस वजह से YouTube इस चैनल को डेड कर चुका है। अब अगर ये सही से काम करे तो फिर से YouTube हो सकता है इनके चैनल को टॉप में ले जाने की कोशिश करे और अच्छे से भी इनका चैनल ग्रो हो सकता है। तो इस तरीके से काम कीजिए, बाकी ये आपके वीडियो चलेंगे काम अच्छे से करोगे तो। और बाकी अगर चैनल वगैरह कीवर्ड नहीं डाले हैं, कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है, तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, यहीं तक इसको एंड करेंगे। तो दोस्तों ये था वो YouTube चैनल जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया और आपको बताया कि इस चैनल में क्या क्या गलतियां हैं और किस तरीके से इन्होंने काम वगैरह किया है। मैंने थोड़ा बहुत एडिटिंग करके भी आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप एक चैनल को, ठीक है, जहां पर आप रीसेलिंग की वीडियो डालते हो उसमें किस तरीके से टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से चैनल को कस्टमाइज करना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया है। वीडियो बड़ी है मुझे पता है लेकिन काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।